रीवा जिले में घरेलू कलह को लेकर पत्नी ने खौलता हुआ सरसों का तेल पति के ऊपर उड़ेल दिया। आधी रात हुई वारदात के बाद घर में हड़कंप मच गया। शोर शराबा सुनने पर परिवार के सदस्य दौड़े। इसके बाद गांव वालों को बुलाया गया। पति को चीखते देख घर के सदस्य हरकत में आए। बाद में पता चला कि सोते समय पत्नी ने ही तेल डाल दिया, जिससे पति का चेहरा पूरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग पति रमेश शाकिर को लेकर नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। दावा है कि नईगढ़ी SCSC में कुछ देर तक चले इलाज के बाद पति की हालात बिगड़ने लगी। ऐसे में चिकित्सकों ने संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल उसे रेफर कर दिया। SGMH पहुंचे पति को बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। परिजनों की माने तो बीती रात पत्नी ने बीच उन दोनों के बीच विवाद हुआ था, और उसके बाद पत्नी ने गुस्से में आकर पति के ऊपर जो है गरम गरम तेल उड़ल दिया। एक मामला बाढ़ का केस आया हुआ है। रमेश साकेत है, 40 या 45 साल का है युवा। और उसको 3 बजे रात को उसने बताया कि उसके पत्नी द्वारा गर्म तेल सरसों का उसके सिर से डाल दिया गया है, तो जिसके कारण उसका पूरा चेहरा जल गया है। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको रिफर किया गया संजय गांधी में मैनेजमेंट के लिए।